दमोह के किशनगंज गांव में करीब 100 लोगों ने हमला करके पिता पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनकी लाइसेंसी बंदूक भी छीन ली और बाइक भी छीन ली। जैसे तैसे घायलों को उनके परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल देवेंद्र सिंह ने बताया कि वह मोहन सिंह के साथ नरसिंहगढ़ से कजरेट्टी की गांव फसल देखने के लिए जा रहा था। रास्ते में किशनगंज में आरोपी धीरा रजक अपने परिवार के लोगों के साथ वहां पर मौजूद था। उसने रास्ते में उन्हें रोका, लाइसेंसी बंदूक छीनी और हमला कर दिया। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन उसके पिता के साथ आरोपियों ने बुरी तरह मारपीट की, जिसमें उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। घायल देवेंद्र ने बताया कि आरोपी का बड़ा भाई पिता के साथ रहता है। इसी बात को लेकर उसके छोटे भाई धीरा ने पिता को गालियां दी थी। विवाद हुआ था, फिर समझौता हो गया, लेकिन आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। वो नरसिंहगढ़ चौकी में रिपोर्ट कराने गए तो नहीं लिखी गई, देहात थाना में रिपोर्ट करने आए तो नहीं लिखी गई। फिलहाल उनके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। मैं पिताजी को लेके गांव छोड़ने जा रहा था, वहाँ पे मुंगबी है, वो पानी देने जाना था, तो और वैसे जा रहे थे। उनसे बड़े ठों से 2-3-4 दिन पहले वातावरण हुआ था, तो उन्होंने वहाँ से जाते देखा और रोक के सीधा, मैं पिताजी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, तो मेरे को मारने लगे। और वो बहुत सारे लोग हैं, वो 4-5 वहाँ पे 100-200 लोग हैं, तो सभी लोग वो मारने लगे, मेरे को भी मारा, पिताजी को ज़्यादा मारने लगे। मैं तो वहाँ से छूट के भाग गया, तो पिताजी के दोनों पाँव तोड़ दिए उन लोगों ने। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।